हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं और डिफ्रैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिफ्रैक्शन जो है वो क्या होता है, आप लोगों ने मामूली से सीडी डीवीडी वगैरह देखा होगा तो उसमें आप देखते हो तो आपको सेवन कलर्स नजर आते होंगे, मतलब रेनबो टाइप का दिखता होगा। फिर क्लाउड्स बादलों को देखा होगा तो बादलों के पीछे अगर सूरज है तो उसमें से जब लाइट पास होकर आती है तो एक शाइनिंग जैसा दिखता है बाउंड्री पे और लाइट जो है से रिफ्रैक्ट होती है। तो ये सब जो है एग्जांपल्स हैं डिफ्रैक्शन के जो कि हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो बाजू वाले रूम में अगर कोई इंसान होगा तो उसको मेरी आवाज सुनाई देगी, ठीक है? तो वो क्या है, साउंड का डिफ्रैक्शन है। बाद में कर दीजिए सर। हाँ बाद में करता हूँ, अभी वीडियो चल रहा है, मुझे पता है पता है बोलने वाला मेरे को क्या है। तो चाहे लाइट हो चाहे साउंड हो दोनों के दोनों डिफ्रैक्ट होते हैं, मींस कोई भी वेव हो, ठीक है, वो डिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। अब डिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा कब होता है, प्रोनाउंस कब होता है, तो बहुत ज्यादा डिफ्रैक्शन कब होगा, जैसे साउंड का डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है कम्पेयर टू लाइट, तो इसका मतलब जो है डिफ्रैक्शन जो है वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका डिफ्रैक्शन ज्यादा। लाइट की वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम में होती है तो उसका डिफ्रैक्शन जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है और साउंड का डिफ्रैक्शन जो है वो ज्यादा होता है। बाजू वाले रूम में इंसान बैठा हुआ उसको साउंड सुनाई देगा पर यहाँ पे लाइट है वो उसको लाइट नहीं आएगी वहां पे, ठीक है, बीच में दीवार है तो समझ लो, तो लाइट जो है वो ज्यादा डिफ्रैक्ट नहीं हो रही है। पर अगर मान लो अपन नीचे से भी अगर लाइट जाती है तो वो पूरा एकदम ब्राइटनेस नहीं कर देगी रूम में जितनी इस रूम में है, तो वो डिफ्रैक्शन हो रहा है थोड़ा बहुत पर साउंड का जो है डिफ्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, लाइट की वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम होती है जैसे मैंने बताया 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है विजिबल लाइट। साउंड जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है नियरली 2 सेंटीमीटर से लेकर 16 मीटर तक, इतनी वेवलेंथ होती है साउंड की जो हम लोग बोलते हैं सुनते हैं, ठीक है। तो ये वेवलेंथ बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसलिए जो है डिफ्रैक्शन ज्यादा होता है। तो डिफ्रैक्शन जो इट इज द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और एपर्चर। ये ऑब्स्टेकल है, ये कोई डेस्क है, ठीक है, सर्कुलर शेप की, और यहाँ पे मैं सोर्स रख देता हूँ और उसके सामने मैंने स्क्रीन रख दी, तो बट ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे डेस्क रख दिया तो इसका शेडो स्क्रीन पे गिरेगा, ठीक है। शेडो गिरना चाहिए कैसे, जैसे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अनुसार लाइट सीधी ट्रेवल करनी चाहिए इस प्रकार से, और यहाँ पे भी जो है इस प्रकार से स्ट्रेट ट्रेवल करनी चाहिए, तो शेडो इतना बड़ा बनना चाहिए यहाँ पर लाइट की आदत होती है के लाइट जो है ज्योमेट्रिकल शेडो में बेंड हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना डिफ्रैक्शन में लाइट बेंड होकर कहां जाएगी, तो ज्योमेट्रिकल शेडो में जाएगी। तो यहां पे जो शेडो इसका इतना बनना चाहिए तो इस शेडो में लाइट एंटर हो जाती है यहां पे और यहां पे इस प्रकार से एंटर हो जाती है और इतने पोर्शन में हमारे को जो है ढंग से शेडो देखने को मिलता है, ठीक है। इसका शेडो यहां पे देखने को मिल रहा है, यहां पे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस रहेगा, ठीक है, और फिर यहां पे कंप्लीट लाइट। तो इस प्रकार से ये जो लाइट की आदत होती है कि वो एजेस पे बेंड हो जाती है, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इवन अगर यहां पे तुम सोर्स रखते हो और इसके सामने एक स्लिट रख रहे हो, ठीक है, ये कार्डबोर्ड से स्लिट बनाया है, जो ये स्लिट है सामने होल है, ठीक है, और यहां पे सोर्स है लाइट का और ये स्क्रीन है, तो लाइट की अगर रेक्टिलिनियर आदत देखें हम लोग तो ऐसे जानी चाहिए सीधी और यहां पे भी ऐसे जानी चाहिए। पर फिर मैंने अभी क्या बताया आप लोगों को, डिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट बेंड हो जाती है कहां पे, ज्योमेट्रिकल शेडो में, ठीक है। तो लाइट जो है वो शेडो, अब देखो इसका शेडो जो है वो यहां पे होगा और इसका शेडो यहां पे होगा, तो लाइट की आदत होती है शेडो में बेंड हो जाएगी तो लाइट जो है इस प्रकार से जाएगी, तो अब ये पोर्शन में जो है तुम्हारे को शेडो नहीं नजर आएगा, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस नजर आएगा और शेडो उसके बाद हो। तो ये जो लाइट का फिनोमिनन है जिसको जिसमें लाइट जो है बेंड हो जाती है, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन ज्यादा कब होता है, जब ये जो साइज है, सपोज मान लो कि इसका साइज जो है वो हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है, या इसका स्लेट का साइज जो है वो कितना है डी, तो इफ द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल और एपर्चर इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, अगर ये वेवलेंथ के आसपास है तो जो है डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अगर ये साइज बहुत बड़ा है तो उसके इसमें डिफ्रैक्शन कम होगा, समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका शेडो हमारे को दिखता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे को नेकेड आई से भी दिखते नहीं, मतलब वो एंगस्ट्रॉम के साइज में है, समझ लो, ठीक है। तो
वहां पे कंप्लीट डिफ्रैक्शन और लाइट पे बैंड है, पर ये बड़ा बढ़िया ऑब्स्टेकल है। तो यहां पे अगर हम देखोगे तो इसका शैडो जो है वो पीछे की तरफ दिखाई देना चाहिए, एक्चुअली सामने की तरफ लाइट नहीं है तो इसलिए इसका शैडो जो दिख नहीं रहा है। यहां पे आप देख सकते हो जैसे मेरा हाथ है तो उसका शैडो इस साइड तुम्हारा थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो जब ऑब्स्टेकल बड़ा होता है तो डिफ्रैक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है, पर ऑब्स्टेकल अगर बहुत छोटा होता है, छोटी सी पिन ले लोगे तुम लोग तो वो पिन का शैडो तुम्हारा दिखेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लाइट जो है वो बैंड हो जाएगी। तो इस प्रकार से bending of light around the edges of an obstacle or aperture is diffraction. मेरे ख्याल से diffraction जो है आप लोगों को clear हो गया होगा। DVD वगैरह में सात कलर क्यों बनते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम लोग जो है types of diffraction पढ़ रहे हैं।